नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। चौथी बार स्वच्छ शहर बने इंदौर की, जिसकी तारीफ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की, साथ ही नगरवासियों को स्वच्छता अवार्ड जीतने की बधाई भी दी। बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेसिडेंसी में बैठक की, जिसमें इंदौर सांसद, शहर अध्यक्ष विधायक रमेश मेंदुला, मालिनी गौड़ कलेक्टर निगम आयुक्त मौजूद रहे। इंदौर से प्रत्येक घर से वेस्ट कचरा कलेक्शन को ग्लोबल मॉडल बताते हुए इंदौर में लगे 3 कंप्रेस बायोगैस निकालने वाले 3 सफल प्लांट्स की भी मंत्री पटेल ने सराहना की। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों का दाम बढ़ने के असर बताया और कहा कि अमेरिकी चुनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत में बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमत, लेकिन थोड़े दिनों के बाद कम हो जाएगी पेट्रोल डीजल की कीमत। पेट्रोलियम मंत्रालय किसानों से खरीदेगा पराली, पराली से बनाई जाएगी बायोगैस। इंदौर महानगर पालिका को बधाई देता हूँ, लगातार चौथी बार स्वच्छ भारत की, स्वच्छ शहर की अवार्ड जीतने के लिए। ये श्रेय इंदौर के नागरिकों के लिए समर्पित है। इंदौर के नागरिक एक ग्लोबल मॉडल खड़ा किया है। मैं देश भर कई राज्यों में जाता हूँ, दुनिया में भी जाता हूँ, लेकिन इंदौर महानगर पालिका ने जो एक मॉडल खड़ा किया है, प्रत्येक घर से वेस्ट कलेक्शन का, कचरा कलेक्शन का जो एक जन आंदोलन उन्होंने सफलता के साथ इम्प्लीमेंट किया है, ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। ये सही मायने में एक वैश्विक मॉडल है, ग्लोबल मॉडल है। आज स्वच्छता के आंदोलन की प्रमुख कारण यही भी है कि ये जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी के आधार पे यहाँ की अधिकारी और यहाँ की राजनीतिक नेतृत्व दोनों मिलके इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, उससे आगे जाके इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने और एक अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है। उससे बायो कंप्रेस गैस, कंप्रेस बायोगैस निकालने के लिए 3 सफल प्लांट 15 मेट्रिक टन की, 20 मेट्रिक टन की और अभी 500 मेट्रिक टन पर डे ऐसे लिक्विड कचरे से, गीला कचरे से 16,000 किलोग्राम गैस प्रतिदिन निकलने का उन्होंने एक प्लांट यहाँ लगाना शुरू किया है। मैं आज ये तीनों प्लांट को दिखने के लिए आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है वेस्ट टू वेल्थ बनाना, स्वच्छता की आंदोलन के पूर्व शर्त है। ये सारे कचरे को अगर हम एक इकोनॉमी एक्टिविटीज में परिवर्तित करते हैं, स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य की, पर्यावरण की, रोजगार की अनेक संभावना उससे जुड़ी हुई है। इंदौर सबसे आगे है। मैं आज यहाँ आया हूँ इस 3 प्लांट को दिखने के लिए, जिसको देश में आगे हम इसको सारे शहर इलाका में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने सतत स्कीम लाया है, जिसके कारण जो भी इस प्रकार की CBG बायोगैस उत्पादित करेगा, सभी का ऑफटेक गारंटी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने उसको दिया है। 46 रुपीज पर केजी इसको खरीदने का गारंटी हम लोगों ने दे रहे हैं। ये एक सफल उद्यम हो सकता है, बड़ा अच्छा एंटरप्रेन्योर ये मॉडल बन सकता है। इंदौर मॉडल के नाम पे ये आगे परिचित भी हो सकता है। और एक विषय पे आज हम लोगों ने समीक्षा किया, अवंतिका गैस शहर में घरेलू गैस पाइप में पहुंचाने के काम कई सालों से कर रही है। मैं जब 2015 में यहाँ पहली बार आया था, तब लगभग 5-6 हजार इंदौर की इस घरों में गैस थी, जो आज बढ़ के 55 हजार हुई है। इसको आने वाले दिनों में और तेजी से, इंदौर जैसे बढ़ रहा है, इंदौर की शहरीकरण जैसे बढ़ रहा है,
इसको ध्यान में रखते हुए हर एक घर तक जहां जा पाए पाइप गैस घर में पहुंचे, जो सस्ता भी होगा, जो सुविधाजनक भी होगा। आज यहाँ की प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ की कलेक्टर, यहाँ का म्युनिसिपल कमिश्नर, अवंतिका की सारे अधिकारी सब बैठ के हमने योजना बनाई है। 2021 में इसके बड़ा मैसिव एक्सपेंशन किया जाएगा, शहर में सीएनजी और पीएनजी की काम बढ़े, इसके ऊपर भी समीक्षा की गई। सर आपने कहा था पराली को भी खरीद कर हो रही है, 90 तक पहुंच रहा है। थोड़ा अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका की चुनाव और कुछ देशों की अंदरूनी समस्या के कारण ये प्राइस अभी बढ़ी थी। अभी अभी ओपेक की निर्णय दो दिन पहले आई है, 5 लाख बैरल पर डे फिर ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए निर्णय किया है, इसके भी फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे थोड़ा बढ़ जाती है तेल, कच्चे तेल की दाम, यहाँ भी थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा हमारी अनुमान है थोड़ा स्टेबिलाइज करेगा। सर किसानों का मुद्दा है। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।